इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को तेजी से लिफ्ट में ऊपर जाते हुए देखते हैं, जो काफी डरा हुआ और कंफ्यूज्ड होता है। अब लिफ्ट के रुकते ही लगभग उसी के उम्र के लड़के यानी कि ग्लेडर्स उसको घेर लेते हैं और उसे ग्रीनी बुलाने लगते हैं। लेकिन उस लड़के को कुछ समझ नहीं आने पर वो डर के तेजी से भागने लगता है एंड कुछ दूर जाके नीचे गिर जाता है। एंड तभी उसे चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारें दिखती है, बट उसी वक्त दो लड़के आ जाते हैं और उसको उठा के एक कोठरी में बंद कर देते हैं। इसके बाद वहाँ का लीडर एल भी उसके पास आता है और कहता है कि इस जगह से कभी भागने की कोशिश मत करना। फिर वो उस नए लड़के से मतलब के ग्रीनी से उसका नाम और उसके पास्ट के बारे में पूछता है, पर ग्रीनी को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। तभी एल भी उसे बताता है कि डरने वाली बात नहीं है, उसे अपना नाम 2-3 दिन में याद आ जाएगा। अब ग्रीनी के शांत होने पर एल भी उसे उस कोठरी से बाहर निकालता है और इस जगह के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि दीवार की इस तरफ की जगह को ग्लेड बोलते हैं और इधर रहने वाले लोगों को ग्लेडर्स। एल भी कहता है कि यहीं पर वो लोग रहते हैं, काम करते हैं, अनाज उगाते हैं और यहीं पर सोते हैं, एंड जो भी जरूरी सामान की उन्हें जरूरत होती है वो हर महीने उस लिफ्ट से आ जाता है, बट हर बार एक नए लड़के के साथ, जैसे कि इस बार वो आया है। और उन सब की कहानी ग्रीनी की तरह ही सेम है, वो लोग भी ऐसे ही लिफ्ट से ऊपर आए थे, उनको भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है एंड उन लोगों को भी ये नहीं पता है कि लिफ्ट से सामान कौन भेजता है और वो सब इधर कैद क्यों है। अब ग्लेड में रहने के लिए एल भी उसे 3 रूल्स बताता है। पहला, अपने हिस्से का काम करना। दूसरा, किसी भी साथी ग्लेडर को चोट नहीं पहुंचाना। और तीसरा, उन दीवारों के पार कभी भी नहीं जाना। अब ये सब जानने के बाद चक नाम का एक छोटा लड़का ग्रीनी को उसके सोने की जगह दिखाता है, पर ग्रीनी दीवार के पास जाने लगता है। चक के रोकने पर वो उसे पूछता है कि उन दीवारों के उस पर क्या है। रिप्लाई में चक बताता है कि वो मेज यानी कि भूल भुलैया है जिसमें सिर्फ रनर्स जा सकते हैं। अब तभी ग्रीनी दो लड़कों को दीवारों के उस पार से अंदर आते हुए देखता है, जिसके कारण वो भी धीरे धीरे दीवार के पास जाने लगता है। बट तभी गैली नाम का एक लड़का आता है और उसे आगे जाने से रोकता है, एंड इसी दौरान मेज के अंदर से तेज हवा आती है जिसके बाद उसकी एंट्रेंस बंद होने लगती है, जिसको देखकर ग्रीनी बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसके बाद रात को ग्लेड में पार्टी होती है। तभी न्यू, जो कि वहाँ का दूसरा लीडर होता है, वो ग्रीनी को बताता है कि मीनो जैसे रनर्स रोज सुबह वहाँ अंदर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और फिर रात को गेट बंद होने से पहले वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग टाइम से वापस नहीं आ पाए तो उन्हें मेज के अंदर ही रात बितानी होगी। और आज तक कोई भी मेज के अंदर रात को जिंदा नहीं रह पाया है, क्योंकि उधर ग्रीवर नाम के खतरनाक क्रीचर भी होते हैं। बट क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसके कारण वो लोग 3 साल से मेज के अंदर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक कोई रास्ता उन्हें नहीं मिला है। और ये सब इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि हर रात मेज का पैटर्न चेंज होता है। इसके बाद पार्टी में सबके बोलने पर गैली और ग्रीनी प्रैक्टिस फाइट करते हैं, जिसमें गैली उसे नीचे पटक देता है और तभी ग्रीनी को अपना नाम याद आता है और वो खुद का नाम थॉमस बताता है। रात में सोने पर थॉमस को सपने में मेज, डॉक्टर और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है एंड साथ ही में एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि विकेट अच्छा है और सब कुछ बदलने वाला है। अब सुबह ग्लेड में काम करते हुए थॉमस जब फर्टिलाइजर लेने जाता है तो वहाँ उसे बेन दिखता है, जो कि एक रनर होता है। थॉमस बात करने की कोशिश करता है लेकिन बेन उस पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन थॉमस भी जैसे तैसे करके भाग के बाकी सबके पास पहुंच जाता है, जहां बेन को काबू में करने के बाद पता चलता है कि ग्रीवन ने उसे दिन में ही काट लिया है और इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाने से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। बट शॉकिंग बात ये थी कि आज तक पहले कभी भी ग्रीवन ने सुबह में किसी पर हमला नहीं किया था, क्योंकि ग्रीवर मेज में निकलते हैं, वो भी रात को गेट बंद होने के बाद। अब ग्रीवर के डंक मारने की वजह से बेन जल्दी मरने वाला होता है और इन्फेक्शन के चलते वो किसी पर भी हमला कर सकता है, तो इसी कारण से रात को मेज का गेट बंद होने से पहले सब लोग बेन को जबरदस्ती उसके अंदर भेज देते हैं उसे मारने के लिए। अब दूसरे दिन बेन के नहीं होने पर मिन्हो के साथ एल भी मेज में जाता है, क्योंकि वो सबसे पुराना ग्लेडर होता है। लेकिन शाम को उन लोगों के वापस नहीं आने पर बाकी ग्लेडर्स काफी परेशान हो जाते हैं और गेट के पास जाके उनका वेट करने लगते हैं। इसके बाद जब गेट बंद हो रहा होता है तब वो दोनों गेट से बहुत दूर दिखाई देते हैं
जहां मिनहो एल्बी को उठा के लेके आ रहा होता है। सब ग्लेडर्स चिल्लाते हुए उनको जल्दी आने के लिए बोलते हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं होता है मेज के अंदर जाके उनकी मदद करने की। अब क्या करे और क्या नहीं करे इस कंफ्यूजन में थॉमस जल्दी से मेज के अंदर घुस जाता है और वहाँ उसको मिनहो से पता चलता है कि एल्बी को ग्रीवर ने स्टंग कर दिया है। इसके बाद एल्बी के बेहोश बॉडी को सेफ रखने के लिए वो दोनों उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ग्रीवर आ जाता है एंड उसे देखते ही मिनहो थॉमस को अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और इधर इस डरावने क्रीचर को देख के थॉमस एल्बी को पकड़ के छिप जाता है। थोड़ी देर बाद थॉमस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ग्रीवर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद जैसे तैसे करके ग्रीवर से बच के वो मिनहो से मिलता है और साथ ही इधर मेज भी चेंज होने लगता है, जिसके बाद थॉमस उसी का फायदा उठाता है और ग्रीवर को दीवारों में फंसा के मार डालता है। अब अगली सुबह गेट खुलने पर मिनहो और थॉमस एल्बी को लेके वापस ग्लेड में आते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पहली बार कोई पूरी रात मेज में बिताकर जिंदा वापस आया था। मिनहो सबको बताता है कि थॉमस ने ग्रीवर को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसे मारा भी है, लेकिन क्योंकि थॉमस ने मेज में जाकर रूस तोड़ा था तो इसीलिए कैली थॉमस पर गुस्सा होकर उसे पनिशमेंट देने की बात करता है। पर तभी लिफ्ट के आने की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि इस बार लिफ्ट में एक लड़की आई है जिसके हाथ में एक नोट भी होता है जहां लिखा था कि ये बॉक्स आखिरी है, मतलब इसके बाद कोई लिफ्ट और नहीं आने वाला था। अब यही सब चलते थॉमस मिनहो से मेज में वापस जाने की बात करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उस मरे हुए ग्रीवर से उन्हें कुछ पता लग सकता है। इसके बाद थॉमस मिनहो और 2-3 ग्लेडर्स मिलके मेज में जाते हैं जहां उन्हें उस ग्रीवर के बॉडी में से एक डिवाइस में मिलता है जिसमें 7 और विकेट लिखा हुआ था। ये विकेट उन्होंने पहले भी लिफ्ट में लिखा हुआ देखा था, तो इससे उन्हें समझ में आता है कि जो लोग लिफ्ट को उनके पास भेजते हैं उन्हीं लोगों ने इस क्रीचर को बनाया है ताकि वो लोग इस मेज से आसानी से बाहर ना जा पाए। अब ग्लेड में लौट के वो लोग उस डिवाइस के बारे में बाकी सबको बताते हैं, लेकिन इधर कैली थॉमस से पूरी तरह नाखुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि थॉमस के आने के बाद से सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई है जिसके कारण वो थॉमस को पनिशमेंट देने के लिए बोलता है, बट न्यूट उसकी बात ना मान के थॉमस को ऑफिशियली रनर घोषित कर देता है। इसके बाद मिनहो फिर थॉमस को एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है जहां उसने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से पूरे मेज का मॉडल बनाया हुआ होता है। मिनहो थॉमस को बताता है कि इस मेज का टोटल 8 सेक्शन है और ये सेक्शन एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ओपन और क्लोज होते हैं, जैसे कि ये ग्रीवर 7वें सेक्शन का था। मिनहो ये भी बताता है कि उसने पूरा मेज चेक किया है पर उसे अभी तक कोई भी एग्जिट नहीं मिला है, पर शायद उस डिवाइस को यूज करके वो लोग बाहर जा पाए। अब यही सब बातें करते टाइम उन्हें पता चलता है कि वो लड़की होश में आ गई है और किसी से भी बात नहीं कर रही है, लेकिन थॉमस के जाते ही वो शांत हो जाती है और बात करते हुए वो अपना नाम टेरेसा बोलती है, पर उसे भी बाकियों की तरह ही कुछ भी याद नहीं होता है। अब बातों बातों में टेरेसा उसे 2 इंजेक्शन देती है जो कि उसको अपने पास से ही मिले थे होश में आने के बाद। फिर वो लोग जाके उस इंजेक्शन को जख्मी एल्बी पर लगा देते हैं ताकि वो क्योर हो पाए। इसके बाद अगले दिन सुबह गेट खुलने पर थॉमस मिनहो के साथ मेज में जाता है जहां वो लोग मेज के 7वें सेक्शन में जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पैटर्न के हिसाब से ये सेक्शन बंद होना चाहिए था, बट तभी अचानक से उस डिवाइस से कुछ आवाज आने लगती है और वो दोनों उस आवाज को फॉलो करते हुए एक नए जगह पर चले जाते हैं जहां उन्हें एक टनल नजर आती है और उस टनल से कुछ स्कैन भी होता है, जिसके बाद बाहर जोरों से आवाजें आने लगती है और मेज का वो 7वां सेक्शन बंद होने लगता है, जिसके बाद वो लोग वहां से भागने लगते हैं और जैसे तैसे करके जान बचा के वहां से निकल आते हैं। अब वापस आके वो लोग देखते हैं कि एल्बी ठीक हो चुका होता है और उसे पहले का सब कुछ याद भी आ गया है। वो बोलता है कि हमेशा से ही थॉमस ये मेज बनाने वालों का फेवरेट रहा है, लेकिन यहाँ पे आके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो लोग आगे और बातें कर पाते तभी पता चलता है कि पहली बार रात को मेज का गेट बंद नहीं हो रहा है एंड मुसीबत और बढ़ते हुए बाकी के 3 गेट भी खुल जाते हैं और देखते ही देखते उन गेट में से बहुत सारे ग्रीवर्स ग्लेड के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो ग्रीवर्स सब पे अंधाधुन हमला करने लगते हैं जिससे बहुत लोगों की जान ही चली जाती है और सब कुछ जलकर तहस नहस हो जाता है। उन क्रीचर्स से बचने के लिए कुछ लोग ग्लेड के काउंसिल हॉल में आ जाते हैं, पर वहाँ भी एक ग्रीवर आके एल्बी को पकड़ लेता है
है, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी थॉमस और उसके साथ ही एल्बी को बचा नहीं पाते हैं। और मरते मरते एल्बी थॉमस को बोलता है कि सबको इस मेज से बाहर निकालने के लिए। अब ग्रीवर्स के जाने के बाद गैली थॉमस को दुश्मन बुलाता है, जिससे थॉमस भी सोच में पड़ जाता है। और क्योंकि उसे भी काफी टाइम से नींद में फ्लैशबैक आ रहे थे, तो सब कुछ याद करने के लिए वो अपने अंदर ग्रीवर का जहर डाल देता है, जिसके बाद टेरेसा उस आखिरी इंजेक्शन से थॉमस को ठीक कर देती है। अब ठीक होने के बाद अगले दिन थॉमस न्यू टेरेसा मिनहो और चक को उसकी याद आई हुई चीजें बताने लगता है कि कैसे वो और टेरेसा उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने ये मेज बनाया है। वो बताता है कि ये सब कुछ एक टेस्ट है और बचपन से ही उन सब पर एक्सपेरिमेंट्स होते आ रहे हैं। अब इधर हम गैली को देखते हैं, जिसने ग्लेड का कमांड ले लिया होता है, जिसके बाद ग्लेड में शांति लाने के लिए थॉमस और टेरेसा को गेट के सामने बांधने लगता है, ताकि ग्रीवर आए तो उन्हें पहले मार डाले, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ थॉमस और टेरेसा की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी थॉमस मिनो और न्यूट की मदद से गैली को रोक लेता है और टेरेसा को फ्री करके ग्लेड के बाकी लोगों को भी उनके साथ मेज में चलने के लिए कहता है, ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाए। अब थॉमस की बातों को सुन के कुछ मेंबर्स उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं, पर बाकी कुछ लोग और गैली उनके साथ आने से मना कर देते हैं। इसके बाद मेज के अंदर आके वो लोग वापस से कल वाली रूट यानी कि सातवें सेक्शन से आगे बढ़ने लगते हैं, बट टनल के सामने आते ही उन्हें एक ग्रीवर दिखता है। वो लोग इस बार पीछे नहीं हटते हैं और बहुत हिम्मत करके उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक ग्रीवर को नीचे धक्का देने के बाद वहाँ और भी कई सारे ग्रीवर्स आने लगते हैं, जिसके चलते वो लोग फाइट करने लगते हैं और इस फाइट में थॉमस के कुछ साथी भी मारे जाते हैं। इधर टनल का गेट ओपन होते ही आगे जाने के लिए उनको एक कोड चाहिए होता है, जो कि उस मेज का पैटर्न होता है, जो कि मिन्हो को अच्छे से पता था। अब सही कोड डालते ही मेज के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और वो लोग फाइनली ग्रीवर्स से बच जाते हैं। अब टनल से बाहर आने के बाद उन्हें एक एग्जिट दिखता है और उस दरवाजे को खोलते ही वो लोग एक लैबोरेटरी में आ जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे और ये एक्चुअली मेज के ऑपरेटर्स होते हैं, जो इनको सालों से देखते आ रहे थे। इसके बाद थॉमस उसके कंप्यूटर के सामने जाता है जहां वो काम करता था और एक बटन दबाता है, जिससे एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है, जहां हम डॉक्टर एवा पेज को बात करते हुए देखते हैं, जो कि विकेट अका वर्ल्ड कैटास्ट्रोफी किल जोन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होती है। वो उन्हें बताती है कि मेज के बाहर की दुनिया अब इंसानों के लिए जीने के लायक नहीं है, क्योंकि एक मैसिव सोलर फ्लेयर की वजह से सब कुछ अब एक रेगिस्तान में बदल चुका है और इसी सोलर फ्लेयर के कारण फ्लेयर नाम के एक वायरस भी हर जगह फैल चुका है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। और इसी वायरस का क्योर ढूंढने के लिए उन्होंने ये मेज बनाया था, क्योंकि विकेट वालों को यकीन था कि इन बच्चों के दिमागों को मॉनिटर करके वो लोग इस वायरस के क्योर को ढूंढ पाएंगे। अब जब एवा पेज उनकी बातों को कंटिन्यू कर ही रही होती है कि तभी हम लोग वीडियो में देखते हैं कि उनके पीछे से गन लेके कुछ मिलिट्री लोग अंदर आते हैं और वहाँ पे रहे साइंटिस्टों को मारने लगते हैं। इसके बाद एवा पेज उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है फर्स्ट टेस्ट को पास करने के लिए, क्योंकि वो लोग सक्सेसफुली मेज के बाहर आ चुके थे, और फिर विकेट अच्छा है बोल के खुद को गोली मार देती है। अब इसके बाद बाहर जाने के लिए एक गेट ओपन होता है, बट कोई जा पाता उसके पहले ही गैली वहाँ आ जाता है हाथ में गन लेके, और इधर हमें पता चलता है कि गैली को ग्रीवर ने स्टंग कर लिया है। इसके बाद गैली थॉमस को मारने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पे मिनो उसे मार डालता है, बट बदकिस्मती से थॉमस को बचाने के दौरान चक को गोली लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है, जिससे थॉमस बेहद दुखी हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से वही सोल्जर्स आ जाते हैं जिनको हमने एवा पेज के वीडियो में देखा था। वो सोल्जर्स उन्हें वहाँ से बाहर लेके आते हैं और सबको हेलीकॉप्टर में बिठा के सेव जगह ले जाने का दावा करते हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें पूरी मेज दिखाई देती है और रेगिस्तान से भरी हुई दुनिया भी। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि डॉक्टर एवा पेज जिंदा है। एक्चुअली वो वीडियो उन बच्चों के लिए एक बेट था। वो अपने कोवर्कर्स को बताती है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे बच्चे सरवाइव कर जाएंगे। वो लास्ट में मेज ट्रायल्स को सक्सेसफुल घोषित करती है और सारे डॉक्टर्स को सेकेंड फेज को चालू करने के लिए कहती है, एंड मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अब आगे क्या होगा वो तो सेकेंड पार्ट में ही पता चलेगा, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Rise and shine.